मिडिल ईस्ट में हूती अमेरिका और इसराइल के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गया है जिसका इलाज इन दोनों ही देशों को सूझ नहीं रहा। एक तरफ जहां हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के माल ढुलाई व्यापार को चौपट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार इसराइल से 3000 किलोमीटर दूर से मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिनमें से कुछ एक हमले इसराइल तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश हूती द्वारा दागी गई मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेटों को बेअसर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हूती की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। वो लगातार आक्रामक तरीके से हमले कर रहा है जिससे मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध छिड़ने की भूमिका तैयार हो रही है। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया है जो इसराइल और अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़ी आफत बन सकती है। दरअसल रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि हूती ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और हूती अब इसे अपने हथियारों के जखीरे में शामिल करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती की ये मिसाइल मैक 8 की स्पीड से उड़ान भरती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेजी से दुश्मन पर अटैक कर सकती है। आरआईए नोवोस्ती ने सूत्रों के हवाले से कहा कि हूती इस मिसाइल का इस्तेमाल अरब सागर और एडन की खाड़ी में इसराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करने में कर सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में हूती ने तेजी से मिसाइल और ड्रोन्स का सफल परीक्षण किया है और अब हूती अपनी मिसाइलों की विस्फोटक और विनाशकारी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है जिससे वो इसराइल को टारगेट कर सके। इसको लेकर हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने बयान में कहा कि हमारे दुश्मनों, दोस्तों और हमारे लोग रणनीतिक महत्व की उपलब्धि का एक स्तर देखेंगे जो हमारे देश को क्षमताओं की एक श्रेणी में खड़ा कर देगा। अरब सागर में हाल ही में नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जिसे देखकर अमेरिका और ब्रिटेन हैरान थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लाल सागर में हूती के हमलों से बचने के लिए शिपिंग कंपनियों ने एक वैकल्पिक रूट अपना लिया था जो बेहद ही लंबा और खर्चीला था। ये रूट दक्षिण अफ्रीका होते हुए जाता है और अब हूती का कहना है कि वो लाल सागर के इतर दक्षिण अफ्रीका वाले रूट पर भी पश्चिमी जहाजों पर हमला करेगा। इसको लेकर न्यूज एजेंसी एपी ने हूती के नेता अब्दुल मलिक का एक बयान छापा है जिसमें अब्दुल मलिक ने कहा कि हूती अफ्रीका के दक्षिण छोर पर केप ऑफ गुड होप की ओर जाने वाले जहाजों पर हमला शुरू करेगा। अब तक हूती ने बड़े पैमाने पर लाल सागर में स्वेज नहर की ओर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया है और अब हूती उन लंबे रूटों पर भी हमला करेगा जिनका इस्तेमाल जहाज वैकल्पिक मार्ग के रूप में कर रहे हैं। और अगर हूती का यह दावा सच साबित होता है तो आने वाले दिनों में पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, क्योंकि लाल सागर, बाबल मंडेब, अरब सागर और एडन की खाड़ी में हूती ने कोहराम मचाया हुआ है और अब उसका कहना है कि वो दक्षिण अफ्रीका वाले रूट पर भी जहाजों को निशाना बनाएगा और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है।